आज का रेस्ट इसलिए रखा है क्योंकि इतना बड़ा पर्व है, ये सब रोज रोज दिन नहीं आते, नहीं तो भूल से करवा चौथ का भी कार्यक्रम बुक हो गया था और कमेटी वाले इतना पीछे पड़े थे, आइए यहीं सारी व्यवस्था करा देंगे, यहीं पूज लीजिए। मैमोरा छावनी में कानपुर में कार्यक्रम लग गया था, लेकिन फिर जब डेट देखी हम लोगों ने करवा चौथ है तो फिर उसको कैंसिल करना पड़ा। तो अनवरत कार्यक्रम भी चल रहे हैं, फिर भी ये बाबा की कृपा है, दया है कि हम लोग दिन में बोल नहीं पाते, रात में बोलने की शक्ति बाबा दे देते हैं। और अगर व्यक्ति को एक रात भी जगना पड़ जाता है तो वो दो तीन दिन बराबर सोता है, लेकिन हम लोगों की आदत में आ गया है, हम लोग लोहे के बन चुके हैं। लोहे के क्या, हम लोगों को निशाचर समझिए, राक्षस समझिए, हम लोग नहीं रात में जगते हैं, लेकिन आपको भी जगाते हैं। तो इस खंड गीत को सुनिएगा दादा, खंड गीत भी आपका जाना पहचान। हमको तो बढ़िया चंदिका की चिंता है, आज बेचारा त्योहार को गीत कह रहा है के दिल धड़कने का बहाना ढूंढता है, के दिल धड़कने का बहाना ढूंढता है, एक छूट जाए तो, एक छूट जाए तो दीवाना ढूंढता है, दिल दिल अरे दिल धड़कने का बहाना, बहुत कम जगह इतनी देर तक लोग इतने सारे बैठे होते हैं। समीप भैया, आपकी कार्यक्रम की सफलता का प्रमाण है कि जब आप ही लोग नहीं हट रहे तो ये लोग कैसे हटेंगे, तो ये बहुत बड़ी कृपा है। और आप सत्य मानिए, मुझे भी कई लोगों ने यहाँ आकर बताया कि जो कार्यक्रम वहाँ चल रहा है वहाँ बहुत बहुत 30-40 लोग सुन रहे हैं बस, तो ये भी अपने आप में बड़ी बात है गया। कि आप लोग इतने मन से सुन रहे हैं, यहाँ की कमेटी अच्छी है बेटे। लेकिन आजकल का दौर ऐसा है कि शहर में आजकल चोरों का ही दरबार चलता है। देखिए मैं कितनी कड़वी सच्चाई आपको बता रही हूँ कि शहर में आजकल चोरों का ही दरबार चलता है, कहाँ अब सर उठाकर कोई खुददार चलता है, और शहर की आबरू रहती है जिस थाने के हाथों में, शहर की आबरू रहती है जिस थाने के हाथों में, उसी थाने के पीछे जिस्म का व्यापार चलता है। ये बात है आजकल, लेकिन कटी सुने दादा, हालांकि व्यस्त है, मन करे तो जवाब दीजिए, मन करे तो ना दीजिए ना। हालांकि दादा कई बार सुना है, हो सकता है 31 दादा कहे कि मेरे बुढ़ापे को देकर क्रांति माला गा रही हूं, लेकिन ऐसा नहीं है दादा। दादा दादा दादा, हो सकता है आपके दिमाग में चले क्रांति माला मेरे बुढ़ापे को देकर 31 कह रही है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। और क्या, मेरी कटपीस की भावनाओं को समझिएगा। एक बार एक आदमी बाल कटवाने नाई की दुकान पर गया, नाई ने बढ़िया कपड़ा कपड़ा लगाकर उसको कुर्सी पर बिठा दिया, और जब नाई कैंची लगाने लगा तो वो खोपड़ी बालों से कहने लगी, अच्छा जा रहे हो, जाओ अब ना आना। उस खोपड़ी ने कहा, हम लोग कितने समय साथ थे, आज ये बाल तुम जा रहे हो, बालों ने कहा कि मेरी मजबूरी है। अब देखिए, बाल और खोपड़ी की व्यथा है, कवि ने कल्पना की है। उन बालों ने खोपड़ी से एक बात कही, कहा कि आजकल का आदमी बड़ा मतलबी हो गया है, हो गया है, और आज
आजकल का आदमी करता क्या है? करता क्या है कि इससे दुखी है हम। बालू ने कहा कि इससे दुखी है हम, हमको यही है हम, करता है ये मनमानी और जाए कहीं अगर हम पे रखे नजर। सुनिए मेरी कहानी। आजकल का आदमी गाड़ी से उतरता है तो सबसे पहले कंघा निकाल के बाल सही करता है। तेरे राम। तो जाए कहीं अगर हम पे रखे नजर, सुनिए मेरी कहानी। बालू ने कहा कि आजकल का आदमी कैसा है? कैसा है दादा? के बाल नहीं हो तो दवाई ढूंढता है। क्रांति माला के कट्ठीस में क्या ढूंढता है? और भैया लोगों से निवेदन कर रही हूँ, तुम्हारा अच्छा लगे तो अपना आशीर्वाद दीजिएगा। तो बालों ने कहा आजकल के आदमियों के अगर बाल ना रहे, केवल आदमियों ही नहीं महिलाओं के भी अगर बाल ना रहे तो आदमी कभी रामदेव का प्रोडक्ट लगाता है, कभी बढ़िया बढ़िया डॉक्टर बदलता है, बाल उगाए। तो बाल नहीं हो तो दवाई ढूंढना है, और बाल अगर आ जाए के बाल अगर आ जाए तो नाई ढूंढता है। या कह लीजिए के बाल अगर बढ़ जाए तो नाई ढूंढता है। और इतना ही नहीं के बाल अगर हो सफेद तो डाई ढूंढता है, और फिर करके काले बाल लुगाई। मेरे लिए गा रही दादा, ये बुढ़ापे के लिए नहीं है, ये उन नौजवानों के लिए है जिनके जवानी में ही आजकल बाल पकने की बीमारी है। और देखिए जब रिश्ता लगता है तो सबसे पहले रंगाई पुताई चालू हो जाती है, जब बाल कलर हो जाते हैं तब जाकर लड़की मिलती है। इसलिए करके काले बाल लुगाई। नर्मदेश्वर बाबा की जय। बहुत बढ़िया। विशेषता, अपने गीत की विधा याद आती है, याद रहती है। दूसरे की गीत की ना विधा आपको याद आती है ना विशेषता याद आती है, या फिर याद आती है तो फिर महत्व नहीं देती है। अभी बता रही थी कि दादा हमारे कटपीस में घी और शहद मिला खाने से मानो मृत बन जाता है। मृत यानी दो अक्षर एक मई। फिर कह रही थी दूध दूध दही शक्कर को मिला दो तो अमृत। फिर तीन अक्षर दो के बता बात तीन अक्षर। फिर कह रही पांचों को अगर एक किया तो पंचामृत यानी फिर चार अक्षर। और यदि प्रभु जी को नहला के पियो तो चरणामृत बन जाता है पांच अक्षर। दो अक्षर तीन अक्षर चार अक्षर पांच अक्षर। आपने केवल अपनी देखी क्रांति जी, जवाब में आपने नहीं देखा। मेरी पहली पंक्ति कह रही थी धन भौतिक धन कहलाता है धन। फिर मैंने लगाया
साधन धन दो अक्षर साधन तीन अक्षर फिर मैंने लगाया आराधन चार अक्षर और फिर मैंने लगाया जीवन धन पांच अक्षर। आपको नहीं समझ में आया है? अब बताओ कच्चा चार को चार बार फेल हुआ है। अपना माल माल दूसरे के माल है खाली बोली बड़बड़ा और कार्यक्रम समापन की ओर है लेकिन ये लड़की इतनी जिद्दी है बिल्कुल जोंक बन जाती पूरा खून चूस जाए। और योगी जी के साल तो बहुत खराब है पूरा खेत चले गए दोनों। बार बार हमारे आदरणीय लेखपाल जी को बार बार लेखपाल जी की चर्चा कर रही है जबकि वो बात मैंने खत्म कर दी। बात वहां से शुरू हुई लेखपाल जी से फिर स्वास्थ्य तक आ गई बात। अब वो बात लेखपाल जी से खत्म हो गई थी लेकिन वो बात नहीं छोड़ रही है बार बार लेखपाल जी की बात कर रही है। ये केवल क्रांति जी आपकी मौका परस्ती है बस बस मुझे और कुछ नहीं लग रहा है। चलिए आपकी सोच को आपकी मानसिकता की मैं प्रशंसा करता हूँ और ये फिक्र यहीं पर खत्म किए देता हूँ। और दूसरी बात हमारे सम्मानित लेखपाल साहब की ओर से ये मेरे लिए भी एक 501 रुपए का पुरस्कार ये आया है। और आपने लिखा है आदरणीय ज्ञानी जी यदि आप सहमत हो तो आप अपने मंच से उपस्थित श्रोताओं को अवगत करा दें दिनांक 19 की जवाबी रतिराम ज्ञानी व श्रीकांत माला के मध्य होगी। कुमारी नीलम विश्वकर्मा अतिरिक्त गायक कलाकार के रूप में उपस्थित रहेंगी। ये आदरणीय भैया श्री राजेंद्र यादव जी शुक्लागंज आपकी ओर से 501 रुपए का पुरस्कार है। लेकिन मैं सबसे पहले तो ये धन्यवाद दे रहा हूँ लेखपाल जी के सम्मान में ये जो एक बड़ा पुरस्कार मुझे मिला 501 रुपए का तो ये मैं चाहता हूँ कि एक बार लेखपाल जी के सम्मान में आप दो जोर तालियां तालियां। दूसरी बात मैं अब विनम्र भाव से आदरणीय लेखपाल जी आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि जो घोषणा हो चुकी है कि अब ये जवाबी 19 तारीख को आदरणीय क्रांति माला जी और आदरणीय नीलम विश्वकर्मा जी के मध्य होगी तो मैं विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं कि अब उसमें संशोधन न करिए। अब नीलम विश्वकर्मा जी और क्रांति माला जी के ही मध्य जवाबी होनी चाहिए। जहां तक सवाल मेरी उपस्थिति का है तो मैं 99% एक बका है 99% मैं आपके कार्यक्रम में हाजिरी लगाने का ये। और अगले साल 100% आऊंगा प्रयास करूंगा और कि मैं आपके यहाँ हाजिरी जरूर लगाऊं। और जो भी कहना सुनना था वो सब बातें खत्म हो गई। और लेकिन अभी लड़की जो कह हम क्या करें खून पिए जा रही मेरे साथ जो को हम लोग नमक में डाल देते हैं बाबू जी कहाँ हम लोग गंगे तो लोग डंडा लेके भगाए आप लोग परेशान ना होइए ये मेरी ही बच्ची है और मैं इसका दादा हूँ तो लेकिन हम लोग आप लोगों के मनोरंजन के लिए विश्वास करिए एक दूसरे के चेहरे पर नमक छिड़कते हैं एक दूसरे पर ऐसे ऐसे प्रहार करते हैं कि कभी कभी मन मेरा झुंझला जाता है इस लड़की के ऊपर और ये कभी कभी एक लड़की भी मेरे ऊपर झुंझला जाती होगी मैं जानता हूँ। लेकिन आपके आनंद में कमी ना आए इस बात का हम लोग प्राथमिकता के आधार पर ये और क्या कभी कभी अपने हाथ अपने हाथों पे ही पीट लेते हैं क्या करें मार भी तो नहीं सकते बिटिया बड़ी हो चुकी है सांड आ गया देखो पीछे से तकदीर बहुत बढ़िया आई कैसे घूर रहा है के दिल धड़कने का बहाना ढूंढता We'll be right back.
सस्ती नहीं गार्नियर की लगवाता हूँ, गार्नियर की। गार्नियर पैसा खर्च करते हम लोग। आगे की लाइन बहुत खराब है ना गंदी बात, कुछ झूठ कह दिया आपने। अरे करके काले पाल लुगाई ढूंढता, करवा चौथ की कसम खा के कह रहा हूं, लुगाई नहीं ढूंढ रहा हूं, करके काले पाल तुम्हारी दाई ढूंढता। ये और क्या, हम लोगों ने कुछ नहीं सुना ना, 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 ना। हम लोग कुछ नहीं कहेंगे, घर भगवान की कृपा होगी, मिलेगी जब घर जाएंगे। बोल बोल। अब ढूंढता है का जवाब फिर ढूंढती ही होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आदरणीय संदीप जी, अगर आप आज की जवाबी से संतुष्ट हुए हो से, तो मैं जनता जनार्दन से निवेदन कर रहा हूं, एक बार जोरदार तालियां जरूर बजा दीजिए। अभी साल से हमारी लड़ाई होगी, अभी तो भाई मार दूर होगा। तो क्रांति जी, कैसा ये जमाना आया, कि आंखें सुंदर हो लगे तो काजल लगाया जाता है। कबों कबों काजल थोप लेते, आंखों की सुंदरता काजल मां ढूंढती, और मिले नगर काजल तो सुरमा ढूंढती है, आंखों की सुंदरता काजल मां ढूंढती है, और मिले नगर काजल तो सुरमा ढूंढती है, अरे मिले न सुरमा तो फिर चश्मा ढूंढती, अरे मिले न सुरमा तो फिर चश्मा ढूंढती है। संदीप जी, फिर चश्मा लगा के छैला बदमा आगे हमारा काम ही खत्म। चश्मा लगा के छैला बलमा ढूंढती, यही बजाना है, यही आनंद है कार्यक्रम का, क्योंकि कार्यक्रम एक मनोरंजन का, स्वस्थ मनोरंजन का एक माध्यम है जवाबी कीर्तन, और इसका आप लोगों ने भरपूर आनंद लिया, और हम लोगों से जितना बन पाया दोनों कलाकारों ने भरपूर प्रयास किया।